पोकेमोन होराइजन के सेकंड पार्ट को मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे वो कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिला। पता नहीं क्यों यार, वो एपिसोड रिलीज तो हुआ था, ब्रॉडकास्ट भी हुआ था टीवी टोक्यो पर, लेकिन अभी तक वो हमें देखने को नहीं मिला, यानी इंडिया में अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ। जब वो इंडिया में रिलीज होगा तो तब भी वो पाकिस्तान में भी आता है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हमें एक दो दिन और वेट करना पड़ेगा, तब जाके जो सेकंड पार्ट होगा वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें जो थर्ड पार्ट है यानी जो थर्ड एपिसोड है उसकी रिलीज डेट बता दी गई है। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक दो दिन के अंदर हमें सेकंड पार्ट जो है वो देखने को जरूर मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट एपिसोड थर्ड पर होने वाली है। अपनी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एपिसोड थर्ड का टाइटल, रिलीज डेट और जो समरी है, ये तीनों चीजें शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चले बगैर टाइम वेस्ट के अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट एपिसोड 3 का टाइटल है एज लॉन्ग एज आई एम विद स्प्रिगरिटो आई एम शो। तो इस एपिसोड की समरी में आप लोग साथ शेयर कर देता हूं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें प्रोफेसर फ्रीड और उसकी टीम और उसकी एयरशिप जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर ये सब खड़े होंगे और ये सोच रहे होंगे कि स्प्रिगरिटो को एक्सप्लोरर से यानी इवल टीम से कैसे बचाना है। इतने में मैथ्यू जो होता है उसकी तरफ से फ्रीड को एक मैसेज मिलता है कि अगर तो वो स्प्रिगरिटो को चाहते हैं वापस तो उन्हें पेंडेंट एक्सचेंज में देना होगा। तो लीकू जो होती है वो एग्री हो जाती है कि वो पेंडेंट उनको दे देगी, लेकिन प्रोफेसर फ्रीड जो होते हैं वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो जब ये एपिसोड स्टार्ट होगा तो हमें ये कुछ सीन देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रोफेसर फ्रीड होगा वो चार्जर की हेल्प से लीकू को लेकर उनके पास जाएगा, उनके हेडक्वार्टर, जहां पर उनका हमें मेन लीडर जो है यानी जो उनका लीडर है मैथ्यू का, वो देखने को मिलेगा। और यहीं पर मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड में हमें ट्रू अटेंशन उनकी पता चलने वाली है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं उस पेंडेंट से। उसके बाद फ्रेंड्स, जब ये वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर मैथ्यू और उसकी टीम होगी। तो फ्रीज जो होगा वो अपने पार्टनर पोकेमोन कैप्टन पिकाचू की हेल्प से मैथ्यू को हराने की कोशिश करेगा ताकि वो स्प्रिगरिटो को बचा सके। तो लीकू जो होगी वो इतने में स्प्रिगरिटो को बचाने की कोशिश में होगी और जो मैथ्यू होगा वो प्रोफेसर फ्रीज के साथ बैटल कर रहा होगा। तो यहां पर हमें थर्ड एपिसोड में तीसरी दफा कैरलेज वर्सेस पिकाचू की बैटल देखने को मिलेगी, यानी फर्स्ट टाइम हमें चार्जार्ड वर्सेस कैरलेज की बैटल देखने को मिली थी, सेकंड एपिसोड में हमें पिकाचू वर्सेस कैरलेज की बैटल देखने को मिली थी, और अब थर्ड टाइम हमें फिर थर्ड एपिसोड में कैरलेज वर्सेस पिकाचू की बैटल देखने को मिलेगी। तो अब यहां पर बात यह है कि क्या फिर प्रोफेसर फ्रीड और लीकू जो है वो स्प्रिगरिटो को इनसे बचा पाएंगे या फिर नहीं, तो ये तो हमें एपिसोड देख कर ही पता चलेगा। ये जो हमारा एपिसोड है ये 21 अप्रैल को रिलीज होने वाला है, फ्राइडे वाले दिन 2:55 पर आपको ये यूट्यूब पर लाइव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वाकई ही देखने को मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम देखने को नहीं मिला था। तो आपको पता है कि यार ये अभी भी एंड में स्टार्ट हुआ है, अभी भी न्यू एपिसोड आ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको स्टेबल होने के लिए। तो इस वजह से अगर तो यूट्यूब पर लाइव नहीं आया तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।